आगरा पुल पर पहुंचे। अब यहां से हम मानसर की तरफ निकलेंगे। ये रोड जाता है मानसर की तरफ। ये सीधा वाला पुल है और ये कभी वाला पानी है तो ये दरिया बहता है। यहाँ से अब हम निकलेंगे सिद्रा की तरफ, आपको सारा व्यू दिखाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी जगह है रास्ते में। यहाँ से हम नेशनल हाईवे पे जाएंगे, आगे से एक रोड जाता है उस साइड चले जाएंगे मानसर की तरफ। आपको पूरा व्यू दिखाएंगे। अच्छी तरह से वीडियो को देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सब दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। देखो यहाँ का कितना अच्छा व्यू आ रहा है। वो सामने रेलवे ब्रिज भी है, यहाँ पे तवी का पानी भी है। ये अच्छी अच्छी बहुत अच्छी व्यू है यहाँ से। और यहाँ से मानसर लेक है, यहाँ देखने की मानसर लेक यहाँ से 11 किलोमीटर, मानसर लेक 26 किलोमीटर और सुनोई सर 11 किलोमीटर है। यहाँ पे ये भैया हैं जिन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह चाय वाय सब कुछ रखा हुआ है। यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू आता है। मेरे साथ अख्तर भाई भी हैं, मैं उनको अपने साथ लेकर आया हूँ। और मेरा ये पहला व्लॉग है, इससे पहले एक डाला था पर वो कंप्लीट नहीं हुआ था। ये आपको दिखाने वाले हैं अभी हम व्यू। ये हमारे साथ फयाज अहमद है। ये जो आप नीचे रोड देख रहे हो ये जो है रेलवे ब्रिज है। और ये जो नीचे आपको पानी दिख रहा है ये तवी की तरफ जाता है। और यहाँ से आप देख रहे हैं जितने भी टूरिस्ट जो है यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ से सनासर जो है वो 11 किलोमीटर है और उसके बाद मानसर जो है वो 26 किलोमीटर है, जितने भी टूरिस्ट हैं आउट ऑफ स्टेट के हैं। और ये तमाम जो है यहाँ खाने पीने वाली सब चीज़ें अवेलेबल हैं। और यहाँ से अब हम निकलेंगे आगे सनासर की तरफ और उसके मानसर। ये हमारे फयाज भाई और अख्तर राही जो है यहाँ पे विज़िट है, आज हमारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आए हैं सनासर लेक में। ये आपको हम पूरा व्यू दिखाएंगे। यहाँ पे आउट ऑफ स्टेट के भी लोग टूरिस्ट आते हैं। और आपको ये सामने दिख रहा होगा आगे जो बोर्ड लगा है, ये अपने सबसे पहले जो है जो बोर्ड जो है इसमें बैठते हैं कम से कम 4 बंदे। और इसमें सबसे पहले अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है क्योंकि लाइफ बॉय जाकर डालते हैं, अगर कोई बंदा गिर जाता है वो अपनी जो है लाइफ बॉय की जो है वारंटी जो है वो 1.5 से 2 घंटे तक होती है। बंदा खुद भी स्विमिंग करके बाहर निकल सकता है। अब हम आपको दिखाएंगे पूरा व्यू दिखाएंगे। यहाँ पे लोग जो आपको दिख रहे हैं सामने, यहाँ मछलियाँ वगैरह भी हैं और बैठने के लिए पीछे जो है वहाँ पार्क हैं वगैरह भी हैं और खाने के लिए तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। और ये फयाज भाई जो आगे आगे चल रहे हैं और इनका जो है ये लाइक सब्सक्राइब और चैनल को आगे फ्रेंड में शेयर करें क्योंकि आप जब शेयर करते हैं हमें खुशी मिलती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो हम सुनोई सर पहुंच गए हैं। तो सर में एक बोट भी चल रही है, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। आपको यहाँ देखने के लिए अच्छे अच्छे व्यू मिले। टूरिस्ट जो हैं यहाँ पे आउट ऑफ स्टेट के आए हुए हैं। आप देख रहे होंगे आगे बोट में कितने बंदे बैठते हैं, ये भी आपको बताएंगे। और कैसे बैठना है, कैसे चलना है, पहले जो यहाँ से बोट मिलती है रेंट पर, इसके लिए लाइफ बॉय जैकेट डालना बहुत ज़रूरी है। अब आपको पूरा ये दिखाएंगे कितना किलोमीटर है, यहाँ मछली को आटा डाला जाता है, शुरू हो जाता है राफ्टिंग वगैरह शुरू हो जाती है। 10 किलोमीटर तो हो गई सही सर, पूरा 2 किलोमीटर है यहाँ, पूरा सर्कल में जाना पड़ता है। 8 किलोमीटर राजे यार, 8 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर
ये इस साइड दिखा दे, इधर व्यू दिखा दे, ये पार्क है बनी हुई है बैठने के लिए, वहाँ पे बैठने के लिए है, खाने पीने का अवेलेबल, यहाँ पे बोरियाँ दिखाने के, यहाँ से बच्चे इधर इधर बाइक लगा साइड पे, साइड पे लगा इधर सर से वापस आए और यहाँ एक जगह जब तक मरते नहीं दीवाने जहर खाते हैं यही तो होता आया है यही तो होता रहना है तो ज्यादा पास आए जो चांद के वो तारे टूट जाते हैं वो तारे टूट जाते हैं मुस्कुरा तू जश्न मना तू